कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के चक्कर में हर बार ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे उनकी काफी फजीहत हो जाती है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये समझना काफी मुश्किल होता है। दरअसल जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। राहुल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2014 से ही देश में हिंदुत्ववादियों का राज है, लेकिन अब हिंदुओं को वापस लाना पड़ेगा। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि वो क्या हैं। ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तो बड़े बुजुर्ग के पास जाया जाता है। आनंद स्वरूप शुक्ला ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाना दिन में सपने देखने जैसा है। योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हिंदू विरोधी विचारधारा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम तो पैदा ही नहीं हुए हैं। यही कांग्रेस ने राम सेतु को तोड़ने के लिए वहां पर मशीनें भेज दी थी। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री बोला करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार में ही राहुल गांधी बोला करते थे कि हमें पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार के आतंकवाद से खतरा नहीं है, हमें हिंदू आतंकवाद से खतरा है। वहीं फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी राहुल पर तंज कसा है। अशोक पंडित ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा है कि क्या ये बयान राजनेताओं द्वारा हाल ही में दिए गए सांप्रदायिक बयानों में से एक नहीं है? क्या उनका मतलब है कि ये देश ईसाइयों, मुस्लिमों और अन्य धर्मों का नहीं है? कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी का ये बयान देना ही वो हिंदू है, हिंदुवादी नहीं, इसका मतलब समझ से परे है, क्योंकि हिंदू से ही हिंदुवादी शब्द बनता है और हिंदू ही हिंदुवादी होता है। राहुल ने कहा कि 2014 से देश पर हिंदुत्ववादियों का राज है, तो उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि हिंदुत्ववादियों के राज में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हिंदू होने के नाते इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? वहीं राम मंदिर बनवाने के लिए राहुल गांधी ने क्या किया है, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।